नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो कि बी टाउन के गलियारे से है, यानी बॉलीवुड से है। आमतौर पर बॉलीवुड की खबरें आपको मैं तो नहीं सुनाता हूं, लेकिन आज आपको ये खबर बतानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपको पता है कि वरुण धवन की शादी जो है उसकी तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है। नताशा दलाल से उनकी शादी होनी है, उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है, और बहुत लंबे समय से दोनों के बीच दोनों के करीबी रिश्तों के बारे में खबरें भी छपती रही हैं और सबको पता भी है। पब्लिकली वरुण धवन कई बार इस बात के बारे में एक्सेप्ट इस बात को कर चुके हैं। अब खबर क्या आई है, वो दरअसल वेडिंग वेन्यू की तरफ जा रहे थे। आजकल उनसे जुड़ी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल हो ही जाती है, क्योंकि अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वो कितने ज़्यादा एक्टिव है इसको लेकर के ही लोग लगातार जानना चाहते हैं, और इसीलिए उनकी हर तस्वीर को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में वरुण धवन जब अपने वेडिंग वेन्यू की तरफ जा रहे थे, मतलब जो जहां शादी होनी है उस जगह पर जा रहे थे, तैयारियों का जायजा लेने जा रहे होंगे, लेकिन जब वो वहां जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस पर जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, इस पर छोटा सा ही एक्सीडेंट है, और अपने कुछ दोस्तों संग वो अलीबाग के लिए निकले थे तब ये हादसा हुआ है। तो ये जो वेडिंग वेन्यू है ये अलीबाग में है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे वेडिंग वेन्यूज़ भी हैं यहाँ पर, और वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वरुण धवन की शादी हो रही है। तो निश्चित तौर पर खबर ये भी है कि इस एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई है, वरुण धवन एकदम सुरक्षित हैं। गाड़ी में छोटा सा डेंट होने की बात कही जा रही है, लेकिन एक्टर और गाड़ी में बैठे बाकी के लोग चोटिल नहीं हुए हैं, ये अच्छी खबर है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं वरुण धवन की शादी को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि वरुण धवन को बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। उनकी हर तस्वीर, जैसा मैं कह रहा हूँ, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में आप भी लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।